तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कलवर्ट के बारे में। तो कलवर्ट क्या होता है? अगर हम कोई रोड बना रहे हैं या कोई भी रेल या रेलवे का कोई पाथ बना रहे हैं और रास्ते में अगर कोई भी ऑब्स्टकल आ जाता है, जैसे कि कोई वाटर स्ट्रीम आ जाता है, जनरली वाटर स्ट्रीम में ही हम लोग कलवर्ट देते हैं। तो कोई अगर वाटर स्ट्रीम आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वाटर स्ट्रीम अगर आता है तो फिर हम लोग उसको पार करने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। सपोज करिए कि आपका ये वाटर स्ट्रीम आ गया और हम लोग कोई रोड बना रहे हैं। इधर से मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे कोई रोड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग कोई रोड बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हो सकता है बीच में पियर वगैरह डालना पड़े, तो ये रोड इधर से आएगा और यहाँ पे हमने ब्रिज या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो इसको पार कर सके, ठीक है। तो पार करने के लिए बनाया तो ऐसे केसेज में हमें कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसी स्ट्रक्चर में एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं कलवर्ट, ठीक है। अब वो टाइप क्या होगा? जैसा कि इसने बताया कि अगर ये इसकी जो चौड़ाई है 6 मीटर से कम है, लेस देन 6 मीटर है, बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। अगर ये 6 मीटर से कम चौड़ाई है और उस पर हम लोग कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलवर्ट कहेंगे। तो ये तो थोड़ा बड़ा नदी लग रहा है, तो इस पे अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है, ब्रिज कहेंगे, ठीक है। तो ब्रिज, अब माइनर ब्रिज होगा, मेजर ब्रिज होगा, वो हम लोग जब ब्रिज पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी हमारा है कि जो स्ट्रक्चर वाटर स्ट्रीम को पार करने के लिए अगर बना रहे हैं, 6 मीटर से कम उसकी चौड़ाई है तो उसको हम कलवर्ट कहेंगे, ठीक है। अगर वो ज़्यादा रहेगी तो फिर माइनर ब्रिज, और 60 मीटर तक होती है तो उसको माइनर ब्रिज, 60 से ज़्यादा होता है तो मेजर ब्रिज, और उसके बाद भी अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अब ये देखिए, एक कैनाल है, ये छोटा लग रहा है, अगर हम इस पर बनाएंगे ना तो इस पर हमारा कलवर्ट बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, ठीक है। अब कलवर्ट के भी कई सारे टाइप होते हैं। बॉक्स कलवर्ट होता है, मज़ा नहीं आ रहा है यार, बॉक्स होता है, पाइप कलवर्ट होता है, स्लैब कलवर्ट होता है, ठीक है। और भी कुछ टाइप के कलवर्ट हो सकते हैं जो स्ट्रक्चर के प्रकार के हिसाब से उनको बाइफर्केट किया गया है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स कलवर्ट के बारे में, ठीक है। तो हमारा अगर कोई नैरो स्ट्रीम है या कोई ऐसा चीज जो बहुत पतला है उसको पार करवाना है तो ऐसे केसेज में हम लोग कलवर्ट करेंगे। तो ये बॉक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर का एक एक एलिमेंट को समझेंगे। हमारा पर्पस क्या है कि हम इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरली समझ लें, ताकि इसका जब क्वांटिटी या कोई, क्योंकि देखो कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के पहले सबसे पहले हमें उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, है ना। कॉस्ट तभी निकाल पाएंगे जब हम उस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझेंगे, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, उस कंपोनेंट की क्या साइज होती है। जनरली आपको अगर कोई टेंडर निकलेगा तो उसमें ड्राइंग्स दी हुई होती हैं, लेकिन अगर आपके पास ड्राइंग नहीं भी है एक, तो भी आपको वो एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए ताकि आप एक टेंटेटिव कॉस्ट निकाल सकें। उस कॉस्ट के बेसिस पे अगर आप कोई कॉन्ट्रेक्टर को सर्विस दे रहे हैं तो फिर आप उसको कॉस्ट निकाल के दे पाएंगे, क्वांटिटी एटलीस्ट दे पाएंगे, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रेक्टर खुद ही कॉस्ट निकाल सकता है और अकॉर्डिंगली वो बिड कर सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कलवर्ट का मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगाया है, ये है बॉक्स कलवर्ट। बॉक्स कलवर्ट में क्या होता है? अंदर में एक बॉक्स होता है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे भी बॉक्स है। तो क्या होता है, मेन इसका जो कंपोनेंट होता है उसमें RCC बॉक्स होता है, ठीक है। उसी बॉक्स से होके पानी पास होता है, तो उसमें नीचे भी, अब ये बॉक्स कैसे बनेगा? बॉक्स बनाने के लिए नीचे स्लैब बनाना पड़ता है, ठीक है, फिर उसमें वॉल बनती है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये बेस स्लैब हो गया जिसको राफ्ट भी कहते हैं, और फिर उसके बाद स्लैब बनाते हैं ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर से फिर ये रोड जो है इसमें आके ऐसे मिला देते हैं, तो यहाँ से पानी चला जाता है, इधर से अपना रोड क्रॉस हो जाता है। तो ये बॉक्स हो गया। अब इसमें कितने सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमें इसमें दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ भी है, ये देखिए। एक तो मेन बॉक्स हो गया, उसके बाद इधर विंग वॉल हो गया, फिर ये कर्टेन वॉल हो गया, ठीक है।
इसमें जो दिख रहा है ये नीचे जो है एप्रन है, इसको कहते हैं एप्रन। एप्रन का हिंदी मतलब क्या होता है? और इसके ऊपर जो है ये इस पोर्शन को रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना एक अप्रोच स्लैब आता है, सब जगह समय नहीं आता है, इसमें नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? एक्चुअली आपको दिख रहा होगा कि ये बॉक्स नीचे है, रोड का लेवल ऊपर है, तो बीच में क्या है, ये जो पोर्शन है ना यहाँ से लेके और इस जगह तक बीच में जो मिट्टी है ना, इसको बोलते हैं कुशन। यानी जो रोड पे जो व्हीकल जाएगा वो डायरेक्ट इस बॉक्स के ऊपर से नहीं जाएगा, बॉक्स के ऊपर मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर से जाएगा। तो अभी ऐसी बात है, जब मिट्टी के ऊपर अगर यहाँ पे व्हीकल जाएगा तो लोड जो होता है बॉक्स तक आते आते डिस्पर्स हो जाएगा। तो इस जगह पे फिर हमें यहाँ पे अप्रोच स्लैब देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये रोड का लेवल और ये बॉक्स का लेवल लगभग बराबर हों तो हमें अप्रोच स्लैब देने की ज़रूरत पड़ती है। वो बताऊँगा कि क्यों देने की ज़रूरत है, पहले जो इसमें दिया हुआ है वो चीज़ें समझ लें। तो ये है विंग वॉल। विंग वॉल क्यों देते हैं? साइड के स्वेल को। और एक और टर्म आता है रिटर्न वॉल। रिटर्न वॉल क्या होता है? रिटर्न वॉल मालूम है क्या होता है? देखो ये जैसे है ना, अगर इसको ऊपर से प्लान में अगर देखोगी तो प्लान में तुम्हें ऐसे बैरल दिखेगा, ठीक है। बैरल यानी बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये ऐसे बॉक्स दिखेगा। इधर तुम्हारा रोड आ रहा है, ठीक है। तो रोड आएगा तो रोड, अगर हम रोड को क्रॉस सेक्शन काटें, ठीक है, तो कैसा आएगा? रोड ऐसा होगा हमारा, इसकी भी हाइट होगी कुछ इस तरह से, स्लोप में होगा। ये स्लोप में यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे ऐसे स्ट्रीम है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे नदी का स्ट्रीम है, इधर से पानी जाएगा इधर से क्रॉस करेगा। और ये अगर जैसे जैसे स्लोप में ऐसे है ना, तो ये इस जगह से क्या हो जाएगा, मिट्टी इधर भी चला जाएगा, इस जगह से भी मिट्टी इधर चला जाएगा। तो क्या करेगा वो, जो रोड का हाइट के लिए जो हमने फिलिंग किया है वो उसके रास्ते को बंद कर देगा। क्योंकि किसी भी मटेरियल का नेचर होता है कि जब उसको हम लोग ऐसे स्टॉक करते हैं तो अपने फ्रिक्शन कोफिशिएंट के एंगल पे स्टॉक होता है। जैसे कि अगर जैसे मान लो कि हम मिट्टी को ऊपर से गिराएं तो मिट्टी क्या होगा, ऐसे कोनिकल शेप में स्टोर होगा, वो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होगा। तो ये जब कोनिकल शेप में स्टोर होगा तो यही फेनोमेना यहाँ भी है। इस कोने से अगर मिट्टी डाले तो जो ऐसे गया और इधर भी उसको जगह मिल गया, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इधर ऐसे मिट्टी तो इसको बंद कर देगा। इस चीज़ से बचने के लिए, समझ में आ रहा है ना, इस चीज़ से बचने के लिए दो उपाय करते हैं, दो या तीन उपाय भी कर सकते हैं, तीन तरीके हैं इसके। एक तो हम विंग वॉल जैसे इसमें प्रोवाइड किया हुआ है, विंग वॉल। विंग वॉल में क्या करते हैं कि यहाँ से स्लोप में ऐसे वॉल दे देते हैं, है ना। यहाँ से क्या किया कि ऐसे वॉल बना दिया, ठीक है। तो मिट्टी आया, इधर मिट्टी जाएगा ही नहीं, यहाँ तो वॉल बना दिया हमने, इधर भी ऐसे बना दिया, तो ये सारा मिट्टी इधर रिटेन हो गया, तो पानी को जाने का पूरा रास्ता बन गया। इससे और एक फायदा होता है कि जब कोई भी स्ट्रीम है ओवर द ईयर उसमें जो डिस्चार्ज है वो वेरी करता रहता है ना, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो अभी ऐसी बात है, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उस समय कम होगा, बारिश के समय में इसमें बहुत ज़्यादा पानी आएगी, तो उस समय ये जो विंग वॉल है ना फिर बाकी के एम्बैकमेंट को नुकसान पहुंचाने से भी रोक लेता है। तो ये दोनों काम कर देता है, मिट्टी इधर जाने से भी रोकता है, एक्सेस वाटर आने के बाद इसको नुकसान, नोट फुट मत करो, ये ऐसे वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, जब चाहो देख सकते हो, बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो विंग वॉल में, विंग वॉल हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं। इसका एक और तरीका है कि रिटर्न वॉल प्रोवाइड कर दें। तो ये हमारा बैरल है, ठीक है। बैरल का मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं बॉक्स है ना, और इधर से स्ट्रीम है ऐसे जा रहा है पानी, और इधर से हमारा रोड है, ये रोड है, ठीक है। इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, बहुत स्लो चल रहा है। तो इधर से रोड है, तो क्या करते हैं कि ये तो बॉक्स बना दिया, बॉक्स बनाने के बाद इधर से ऐसे करके रिटर्न वॉल बनाते हैं। विंग वॉल हम कैसे बना रहे थे, ऐसे तिरछा बना रहे थे ना,
वो नहीं बनाया हमने, हमने ऐसे रिटर्न वाल्व बना दिया। अब जब मिट्टी गिराएंगे यहाँ पे, इस पॉइंट से भी मिट्टी क्या होगा, ऐसे स्लोप में जाएगा, अपने 1:1.5 का स्लोप में जाता है। एकदम बेकार लग रहा है, इसका देखना पड़ेगा कि कैसे करें तो फास्ट हो, फिर भी समझ में आ रहा है ना, 1:1.5। चलो ये किसी तरह इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी देखो, इसके अंदर वाला मिट्टी तो बाहर नहीं आ पाएगा, सही बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर वाला इधर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर मिट्टी जो है वही मिट्टी आगे जा सकता है। इधर तो हमने रिटर्न विंग वाल्व बना दिया, अब ये मिट्टी जो है यहाँ तक पहुँचेगा कितना स्लोप तक, 1:1.5 के स्लोप में। तो अगर यहाँ पर हाइट 1 मीटर है, मान लो 1 मीटर है, तो ये कहाँ तक मिट्टी इसकी जाएगी, 1.5 मीटर तक। तो हम लोग जो ये जो लेंथ है ना, उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं, हाइट इंटू 1.5। हाइट जो भी है स्ट्रक्चर, ये जो हाइट है ये हम लोग देख लेंगे कितना रिटेन करना है, इससे रिटर्न वाला ऐसे बना देंगे यहाँ तक कितना, 1.5 टाइम। मतलब अगर ये 2 मीटर है तो ये 3 मीटर, अगर 3 मीटर है तो 4.5 मीटर। तो मिट्टी जो यहाँ गिरेगा वो स्लोप में आके बस यहीं तक पहुँचेगा, इसके होल को बंद नहीं करेगा। अब ये है कि चॉइस है कि क्या करना है, विंग वाल देना है कि रिटर्न वाल देना है, दोनों में से एक देना है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में आपको फिलॉसफी क्लाइंट ही प्रोवाइड कर देगा, आपके पास फिलॉसफी रहेगा कि आपको करना क्या है, लेकिन अगर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना है या ज़रूरत नहीं है, या आप देख लीजिए कि किस में मेरे को कॉस्ट सेविंग हो रही है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से। ज़्यादा अगर हाइट होगा, अगर 5 मीटर 7 मीटर 8 मीटर हाइट है, तब रिटर्न वाल अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 मीटर मान लो हाइट है, ये ऑलरेडी 5 मीटर है सपोज, तो 1.5 कितना है, 7.5 मीटर तक आपको बनाना पड़ेगा, और ये पूरा सीधा बनता है, तिरछा नहीं बनता है ना। और विंग वाल जब बनाएंगे तो वो क्या बनता है, ऐसे तिरछा बनता है, स्लोप में बनता है, तो विंग वाल की क्वांटिटी ऑब्वियस ही बात है उससे काफ़ी कम आएगी, लगभग हाफ के बराबर आएगी। तो ऐसे केस में जब बहुत ज़्यादा हाइट है तो रिटर्न वाल को अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर सैलो हाइट है, 1 मीटर है 2 मीटर है, तो वी कैन कंपेयर कि हमें विंग वाल सस्ता पड़ेगा कि रिटर्न वाल सस्ता पड़ेगा। विंग वाल का दूसरा एक फायदा है, लेकिन जब आप रिटर्न वाल देंगे, तो यहाँ पे आपने रिटर्न वाल दिया तो मिट्टी यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक बढ़ेगी, है ना। अब ये मिट्टी जो है इधर से अगर पानी ज़्यादा आया तो ये मिट्टी का इरोजन हो सकता है, अगर ये मिट्टी का इरोजन हुआ तो फिर इधर से एम्बैकमेंट खराब हो सकता है, तो इस मिट्टी को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोन पिचिंग करना पड़ेगा, तो ये भी एक एडिशनल कॉस्ट आएगा अगर आपने रिटर्न वाल दिया तो। आपके विजुअलाइजेशन हो रहा है दिमाग में, है ना, कि यहाँ तक हमने रिटर्न वाल दिया, मिट्टी यहाँ तक भरी हुई है, इसको हमने स्टोन पिचिंग कर दिया, नहीं तो फिर पानी आएगा, विंग वाल में हमें स्टोन पिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक तो तिरछा है तो उससे हमारा वो बच गया, तो वो बेनिफिट होता है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन कि और क्या कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये है कि हम लोग क्या करें कि जो बैरल को ही आगे निकाल दें, ये दिख रहा है क्या, ये बैरल आगे निकला हुआ है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ कि ये देखो स्लोप मेरा ऐसे है, ये स्लोप में ऐसे जा रहा है, हमने क्या किया कि इतना दूर बैरल को आगे निकाल के बना दिया, न विंग वाल बनाया न रिटर्न वाल बनाया, आगे निकाल के बना दिया, तो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है, अब इसको कोई नुकसान नहीं होगा, या मिट्टी भी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम करते हैं, बहुत रेयर करते हैं, ये कहीं से मुझे मिल गया पिक्चर तो मैंने दिखा दिया, ये भी कर सकते हैं। ये जनरली हम लोग पाइप कलवर्ट में ये उपाय करते हैं, पाइप कलवर्ट को हम लोग काटते नहीं हैं, उसको हम लोग आगे तक बनाते हैं। तो इससे हमें मेन हमारा मकसद क्या है, सॉयल को प्रोटेक्ट करना। तो विंग वाल क्यों बनाते हैं, रिटर्न वाल क्यों बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, है ना। अब ये दोनों आएगा, एक आएगा, अभी ये कन्फ्यूजन नहीं है, है ना, आएगा एक ही, चाहे रिटर्न वाला आएगा चाहे विंग वाला आएगा। तो अगर हम BOQ कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ एक की क्वांटिटी लेंगे, और उसकी विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा हाइट नेट बनता है उससे 1.5, अगर सॉयल अच्छा है तो, है ना। तो इससे क्योंकि हम उसके बाद स्लोप व्लोप प्रोटेक्ट करेंगे तो 1.5 में काम बन जाता है। EPC प्रोजेक्ट में डिजाइन भी क्लाइंट मतलब कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ये फ्रीडम होता है कि अपना जो भी इकोनॉमिकल
सिस्टम है वो सेलेक्ट करें, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि इसका साइज़ क्या होगा, ये होगा, तो वो सब हाइड्रोलॉजी, पानी, ये सब पे डिपेंड करेगा। उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, डिजाइन पॉइंट अभी से कोई बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये एक ड्राइंग है, ठीक है, एक टिपिकल ड्राइंग है जो कि ऊपर से देख रहे हैं, ये प्लान है। क्या है? प्लान है। इसी तरह का ड्राइंग आपको मिलेगा जब भी आप बीओक्यू या कुछ कैलकुलेट करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा कलर वाला डाल दिया है ताकि आपको अच्छा लगे। ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ये है डाउन स्ट्रीम, पानी इधर से जा रहा है, सॉरी उल्टा होगा, है ना, पानी इधर से जा रहा है, इधर को निकलेगा, और रोड जो है ट्रैफिक, मेरा ट्रैफिक का डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये जो है मेन बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में ऊपर स्लैब होगा, नीचे स्लैब होगा, दोनों तरफ वॉल होगा, तो ये इस तरह से ड्राइंग जब बनाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। अच्छा, ये दोनों अप्रोच स्लैब है, ठीक है, तो अप्रोच स्लैब भी आप याद कर लीजिए कि अप्रोच स्लैब जो है लगभग 3.5 मीटर से 4 मीटर तक बनाना है। अब अप्रोच स्लैब क्यों बनाते हैं, अभी अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा कि अप्रोच स्लैब की ज़रूरत क्या है। ये अप्रोच स्लैब है, उसके बाद ये देख रहे हैं ना, ये आपका विंग वॉल है, ठीक है, ये विंग वॉल ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपका फ्लोर एप्रन है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कर्टेन वॉल है। अब ये कर्टेन वॉल क्यों देते हैं, ये नहीं बात किया ना, पिछले स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये कर्टेन वॉल है जो ऊपर से देखने में उस ड्राइंग में ऐसा दिख रहा था। होगा क्या कि अप स्ट्रीम और डाउन, अब ये कर्टेन वॉल दोनों तरफ देते हैं, जब पानी का फ्लो आएगा तो पानी का नेचर क्या है, अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाना। तो मैंने यहाँ तो ये तो बना दिया कलवर्ट, लेकिन पानी बहते बहते क्या करेगा कि इसके आसपास के मिट्टी को बहाना शुरू करेगा, इरोड कर सकता है। अगर ऐसा कहीं है बहुत स्टीप स्लोप बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे वो रख सकता है। तो क्या करते हैं ना, ये देखो विंग वॉल तो होती है आरसीसी की, बाकी सारा आरसीसी का होता है, ये होता है पीसीसी का। तो एक बैरियर बना देते हैं आगे में, ताकि मिट्टी जो है ना, पानी आए तो मिट्टी इधर का इरोड हो, स्ट्रक्चर के आसपास वाली मिट्टी इरोड ना हो। उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है सेफ रहेगा, नहीं तो धीरे 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 अगर मिट्टी उससे निकल गई तो वो अंदर धंस जाएगा, धंस जाएगा तो पूरा ट्रैफिक खराब हो सकता है। तो इसीलिए ये कर्टेन वॉल बनाते हैं। कर्टेन वॉल कहाँ देते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में देते हैं। तो एक देखो, यहाँ पे भी कर्टेन वॉल दिए हैं, यहाँ पे भी हमने कर्टेन वॉल दिए हैं। अब कर्टेन वॉल को भी बचाने के लिए बाद में फ्लेक्सिबल एप्रन देते हैं। ये फ्लोर एप्रन है और ये फ्लेक्सिबल एप्रन है। फ्लोर एप्रन का मतलब हो गया वो फिक्स एप्रन है, स्लैब बना दिया, आरसीसी स्लैब टाइप का यहाँ बन गया, फिक्स है, रिजिड है। यहाँ पे है फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोन पिचिंग वगैरह करके वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, मेरा ये भी बच जाएगा। तो कई सारे प्रोटेक्शन करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका है एरिया, जहाँ पे कभी साल में कभी कभार पानी आ गया बरसात में तो वहाँ पे इतनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमेशा पानी फ्लो होता रहे तब उसमें आपको पूरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका स्ट्रक्चर टिक नहीं पाएगा। तब आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, और ये बाकी, ये तो मेन कंपोनेंट है ही, ये तो मेन कंपोनेंट के ही पार्ट है। तो फ्लोर एप्रन, फ्लोर एप्रन हो गया, फ्लेक्सिबल एप्रन हो गया, सब सॉयल को बचाने के लिए होता है। तो बेसिकली जो कर्टेन वॉल है वो मेन स्ट्रक्चर को बचाने के लिए हम लोग कर्टेन वॉल डाल देते हैं, और उसके पहले रिजिड फ्लोर एप्रन होता है जो आरसीसी का ही होता है, वो वहाँ पे देते हैं। और उसके बाद कई बार इसको भी बचाने के लिए, जो कर्टेन वॉल को भी सेफ करने के लिए फ्लेक्सिबल एप्रन देते हैं, मतलब वहाँ पे पिचिंग विचिंग कर दिया, पानी आया तो वहाँ से बोल्डर वोल्डर डाल दिया तो वहाँ से निकले नहीं। एक चीज़ और देखो, ये है डाउन स्ट्रीम, है ना, और ये है अप स्ट्रीम। ये इसकी चौड़ाई जो है फ्लेक्सिबल एप्रन की चौड़ाई डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आप ये करीब करीब 3 से 4 मीटर लेना है, ठीक है, एज पर स्लोप, एज पर एरे, और ये आपके 1.5 से 2 मीटर आएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, या तो आपको ड्राइंग दिया रहेगा तो आप ड्राइंग के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, अगर नहीं दिया है तो इतना लेना है, 1.5 मीटर बाई 300 थिकनेस या 450 थिकनेस, 300 से 450 थिकनेस लेना है, एज पर सॉयल स्लोप सब कुछ देखना है, जो भी आपको समझ में आए। और उस तरह इधर भी 3 मीटर लेना है और 300 से 450 की थिकनेस लेनी है। तो ये एक हमारा थंब रूल है, कब, जब हमारे पास बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो हमें
अब देखिए ये जो सॉयल है ना, ये सॉयल को इसने क्या किया, विंग वाल ने रोक लिया, ये एम्बैकमेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें के सारे कंपोनेंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम लोग इसको एक बार सेक्शन में, इसमें देखिए सेक्शन कटा हुआ है, ये सेक्शन 1-1 है, ठीक है, ये सेक्शन 2-2 कटा हुआ है, और एक सेक्शन ये 3-3 कटा हुआ है। तो इस सेक्शन को देखते हैं हम लोग आगे, इसको सेक्शन ये है आपका सेक्शन 1-1, ठीक है। तो एक बार फिर से वापस जाते हैं, सेक्शन 1-1 कैसे कटा है, ऐसे कटा है, यानी अलोंग द स्ट्रीम अगर काट देंगे तो फिर कैसा दिखता है, तो ये हमें ऐसा दिखता है, अलोंग द स्ट्रीम हमें ऐसा दिखेगा, ये विंग वाल हमें ऐसे स्लोप में दिखेगा। ये आपका देखिए, देखिए ये स्टोन एपरन जो है 750 थिक दिया हुआ है, तो इसमें अगर 750 दिया है तो 750 लेंगे, इनका यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा, ज़्यादा पानी वानी आता होगा इसलिए इन्होंने दिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब आप 300 से 450 ले लीजिए, क्योंकि मान लीजिए बाद में आपको पता चला डिजाइन के समय कि यहाँ पे लेना है, तो अब बाद में पता चला नहीं लेना है, तो आपका मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा वो और जगह से बैलेंस करे इसलिए, ठीक है। तो ये 750 थिकनेस यहाँ पे लिया हुआ है, अगर ज़्यादा है, अगर आपको पता है एरिया कि बहुत वहाँ पे पानी आएगा तब तो आप ये डाटा 750 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि इधर पानी वानी ज़्यादा नहीं आता है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लेना है कि नहीं लेना है, तो थोड़ा सा लेके हमें बैलेंस कर देना है। और ये चीज़ हमें क्लाइंट को भी बताना है कि हमने इतना लिया है सिंस कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा तो वी कैन डिसाइड, तो हमने आधा ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो ये है जो है ये कटन वाल है, इस तरह से सेक्शन होता है कटन वाल का, ये हम लोग स्टेप में बनाते हैं और ये पीसीसी का होता है, ठीक है, इसमें रेनफोर्समेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो M20 या M30 का जो भी आपके स्पेसिफिकेशन में हो वहाँ से मिनिमम M20 लीजिए, अगर उसमें दिया होगा कि M30 का लेना है M35 का लेना है, तो इस तरह से स्लोप लेना है। अब इसका क्या कंसेप्ट है, स्लोप कैसे लेना है, सबसे ऊपर आपको रखना है 200 mm, 200 mm टॉप थिकनेस आएगी, ये जो ऊपर में दिख रहा है ना ये 200 की होगी, उसके बाद और ये 200 की हमें बनानी कितनी है 450 mm, ठीक है। उसके बाद भी और नीचे जाना है, अब हमें ड्राइंग के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा कि हमें 3 मीटर का कर्टन वाल बनाना है, तो फिर हम कैसे स्टेप में नीचे जाएंगे, तो 450 की हो गई, फिर हम क्या करेंगे 125 थिकनेस बढ़ा लेंगे, फिर नीचे जाएंगे 750, ठीक है, फिर 750। अब हमारे पास हाइट कितना हो गया, 1200 हो गया, अब मान लो फर्दर और जाना है, 1200 से भी ऊंचा चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे 125 का बढ़ाएंगे, फिर 750 नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर 750, तब कितना हो गया 1500 और 450, 2 मीटर हो गया लगभग। अगर इतना ही जाना है तो फिर नीचे एक और स्टेप बना देंगे पतला इस तरह से, ये 300 थिक का, ठीक है, और इधर निकालेंगे 150, लास्ट स्टेप में ये करना है। अगर और भी स्टेप बढ़ाना है तो फिर यही वाला थ्योरी अपनाना है, ये सब थंब रूल है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमें क्वांटिटी में, हम जब क्वांटिटी कैलकुलेट करें तो आइटम सारे कैप्चर हो जाए, छूटे नहीं, क्योंकि बाद में पता चला कि कुछ छूट गया तो कॉन्ट्रैक्टर ने कम पैसे में ले लिया तो उसकी तो वाट लग जाएगी। तो कर्टन वाल का जनरली कई बार डिटेल नहीं रहता है उसमें, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इसमें साइज वाइज दिया नहीं है, है ना, तो फिर इसके हिसाब से हमको ले लेना है, ठीक है। अब ये सेक्शन समझ में आ गया, बाकी इसके अगले स्लाइड में देखते हैं। अब ये मैंने प्लान और सेक्शन एक जगह रख दिया है ताकि आपको समझ में आए, ये सेक्शन हमने समझ लिया था, ये वाला सेक्शन है सेक्शन 2-2, ये वाला सेक्शन यहाँ से काटेंगे तो ये सबसे समझने वाला सेक्शन है ये। इसमें देखिए पूरा बॉक्स दिख रहा है, अब इसमें ये अप्रोच स्लैब भी दिख रहा है ना, ये अप्रोच स्लैब है। अब ये अप्रोच स्लैब को रखने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे एक हमने ब्रैकेट बनाया हुआ है। अब क्या होगा, मान लो कि थोड़ी देर के लिए यहाँ अप्रोच स्लैब नहीं है, हमने यहाँ क्या किया पूरा मिट्टी भर दिया है ना, और ये रिजिड हो गया और ये फ्लेक्सिबल हो गया, सॉयल तो फ्लेक्सिबल होगा, लोड जितना जाएगा वो धीरे धीरे दबना शुरू हो जाएगा चाहे आप कितना भी कॉम्पैक्ट कर दे, और ये कॉन्क्रीट क्या है वो तो रिजिड हो गया, तो यहाँ पे ना एक धीरे धीरे ना ओवर कोर्स ऑफ टाइम इस तरह का किंक जनरेट हो जाएगा, और जब व्हीकल जाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, जर्क आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे
एक अप्रोच स्लैब और नीचे ब्रैकेट पे रख दिया, तो यहाँ पे अब कोई किंक नहीं होगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी स्ट्रक्चर पे रखा हुआ है, लोड आएगा तो इस स्ट्रक्चर पे नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्चुअली सपोर्टेड ऑन सॉयल, तो जब सॉयल पे रखा हुआ है और उस पर सॉयल पे ही चल रहा है, तो अगर उसके नीचे दबा उसके बाजू में भी पतला सा स्लैब है वो भी सॉयल के हिसाब से ही दब जाएगा, तो वहाँ पे भी किंक जनरेट होगा लेकिन वो हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट जनरेट नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि जनरेट हुआ। उसके ऊपर हम लोग बीसी देंगे ना, फिर रोड की वेयरिंग कोर्स वगैरह देंगे, तो वो उसी में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता है। इसीलिए कंफर्ट के लिए हम लोग देते हैं अप्रोच स्लैब। लेकिन अगर हमने अप्रोच स्लैब दिया और फिर ये वाला ब्रैकेट नहीं दिया, तो फिर वो किंक जनरेट होगा क्योंकि स्लैब ज़्यादा बैठ जाएगा और स्ट्रक्चर ऊपर बैठा रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये देना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अप्रोच स्लैब देते हैं। बाकी आपका यहाँ पे ना नोटेशन है, ये नोटेशन को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो नोटेशन दिया हुआ है, एक है ई जो थिकनेस है, ये राफ्ट का थिकनेस को डिनोट करता है। और यही आपको नोटेशन ज़्यादातर आपका जो स्टैंडर्ड ड्राइंग NHAI से मिलेगा, तो जनरली यही नोटेशन रहता है। तो एक तरह से मान लीजिए कि इसको याद कर लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ई हो गया राफ्ट का, एफ हो गया वाल का, डी हो गया आपका स्लैब का थिकनेस, और ए हो गया उसकी स्पैन, और बी हो गई उसकी हाइट। तो ये एक, क्योंकि देखिए कोई भी रोड स्ट्रेच है ना 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जब हम बनाएंगे तो उसमें कई सारे आपके ये आएंगे, बंद भी हो जाते हैं, कई सारे हमारे कलवर्ट आएंगे, तो हम अलग अलग ड्राइंग तो बनाएंगे नहीं, तो हम एक टिपिकल ड्राइंग बनाएंगे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन टेबल बना के ए बी और नोटेशन के फॉर्म में दे देंगे ताकि उसी ड्राइंग से हम सारा कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो इसीलिए नोटेशन का यूज होता है। तब इसको कितना रखना है ये आगे के स्लाइड में देखेंगे, पहले अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, सेक्शन 3-3, तो 3-3 और 2-2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फर्क यह है कि 3-3 में कुछ चीज़ें ज़्यादा विजिबल होंगी, इसमें यह फ्लेक्सिबल एप्रन दिखेगा, इसमें आपका कर्टन वाल दिखेगा, फ्लोर एप्रन दिखेगा, तो वो सब इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो वो दिख रहा है जैसा भी दिख रहा है, ये बाकी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो ये सब समझ जाइए, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं। ये आपका हो गया विंग वॉल, ये हो गया बॉक्स, ठीक है, और ये इधर एप्रन है, और ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल के नीचे ये सब कंस्ट्रक्शन है, इस तरह से हमने बना दिया है ताकि पानी इधर से निकल सके। जो लोड है ऊपर से लोड आएगा, लोड इस स्ट्रक्चर के होते हुए सॉयल में जाएगा। अब इस जगह पे हमने राफ्ट बना दिया, अब ये राफ्ट क्या करेगा, इस लोड को पूरा इतने एरिया में डिस्पर्स कर देगा। तो अगर हमारा सॉयल अच्छा है तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, सॉयल ज़्यादा ख़राब है तो इसको और भी बड़ा करना पड़ेगा। तो इसका कोई थंब रूल काम नहीं करेगा। अभी जो लिया हुआ है 150 लिया हुआ, कितना 150 लिया हुआ था ना, 500 लिया हुआ है। तो ये आपको जब भी आप करें आपको वहाँ पे सॉयल का चेक करना है कि सॉयल वहाँ कैसा है। अगर सॉयल आपको पता नहीं चलता है तो फिर आपके जजमेंट के हिसाब से कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। एरिया से भी पता चल जाता है कि उस एरिया में सॉयल कैसा है, तो उस हिसाब से भी आप जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे समझे, अगर ई कितना लेना है 380, एफ कितना लेना है 300, है ना। तो ई हमारा क्या था, राफ्ट का थिकनेस था, एफ था वाल का थिकनेस। तो अगर 2 मीटर का स्पैन है या 2 मीटर की हाइट है तो ये कितना लेना है, 380 और 350 ऐसा करके कुछ दिया है ना, वाल की थिकनेस 350 या 300 सॉरी 300 है, तो ये 300 है, ठीक है। और स्लैब कितना है, डी स्लैब है 350। अब एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिए, लोड जो है ना स्लैब में, स्लैब और बेस दोनों बराबर मजबूत होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे बेस को ज़्यादा थिक देते हैं क्योंकि नीचे कवर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। नीचे ज़मीन पर रखते हैं ना तो वहाँ पर कवर ज़्यादा देते हैं, पानी वानी रहता है, ऊपर तो ड्राई रहता है, तो इसमें कवर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चला जाता है कैलकुलेट करते समय, है ना, कि ओवरऑल स्ट्रेंथ उतनी आएगी लेकिन ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरे टेबल में सारे साइज के दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें अपने
इसमें कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास टेबल है, अगर आपको पास अगर अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो पॉज करके यहाँ से स्नैपशॉट भी लिया जा सकता है। बाकी ये कुछ हॉन्च की डिटेल वगैरह है, आप इसको देख सकते हैं कैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का साइज वगैरह दिया हुआ है। ये 300 mm यहाँ से प्रोजेक्टेड है, ये जो ब्रैकेट निकला हुआ है ना जिसपे स्लैट बाग रेस्ट करेगा, तो ये इस तरह का इसका डिटेल होता है। फिर नीचे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट का क्या डिटेल होता है वो इस तरह से दिया हुआ है, तो ड्राइंग में सब दिया रहता है, इसमें तो और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो ड्राइंग आपको मिलेगा वो इस तरह से ही रहेगा, सारी डिटेल एक ही ड्राइंग में रहती है। मैंने उसमें पार्ट पार्ट करके दिखाया था, इसमें सब एक ही ड्राइंग में सब कुछ है। जैसे ये देखिए प्लान वाला एरिया है, ये आपका सेक्शन 1-1 है जो हमने डिटेल में समझा, ये सेक्शन 2-2 है, ये सेक्शन 3-3 है, ठीक है। तो ये सारे और ये जो छोटे मोटे सारे डिटेल है इसमें दिए हैं, इसमें बहुत सारे नोट्स वगैरह भी हैं। तो जब भी आपको ड्राइंग मिलता है तो सबसे पहले नोट्स पढ़िए, हो सकता है नोट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं SBC के बारे में लिखा हो, या कोई भी क्लाउज के बारे में, या कोई स्पेशल कंडीशन है तो वो चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी। बाकी ये टेबल जो है मैंने आपको बड़ा में दिखाया था, ये टेबल भी ऐसे दिया रहेगा। तो ये बॉक्स कलवर्ट का ड्राइंग मोर और लेस आपको ऐसा ही मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब देखिए इसमें BOQ में आइटम क्या क्या होते हैं, ये भी मैंने टेबल आउट कर दिया है। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखिए एक्सकावेशन निकालना होगा, ठीक है। एक्सकावेशन में आपका बॉक्स पोर्शन, विंग वॉल, कर्टेन वॉल, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इतने का एक्सकावेशन निकालना है। अब हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं, ठीक है। जैसे ये है तो एक्सकावेशन, अब यहाँ पे हो सकता है आपका एक्चुअल ग्राउंड लेवल यहाँ हो, है ना, तो आपको ये सब एक्सकावेट करना पड़ेगा। बॉक्स पोर्शन में ऐसे एक्सकावेट करना पड़ेगा। इधर विंग वॉल है, जैसे ये विंग वॉल है, विंग वॉल के लिए भी ये सब आपको एक्सकावेट करना पड़ेगा। देख रहे हैं नेचुरल ग्राउंड यहाँ है, हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ तक जा रहा है, तो ये सब एक्सकावेट करना पड़ेगा। तो जो आप ड्राइंग के हिसाब से, विंग वॉल के साइज के हिसाब से, और थोड़ा सा ज़्यादा लेना है दोनों तरफ, 500 ज़्यादा लेना है वर्किंग स्पेस के लिए, तो वो लेके आपको एक्सकावेट करना है। एक्सकावेशन का क्या होता है, एक्सकावेशन हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, LBD। तो लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, गुना करेंगे वॉल्यूम निकल जाएगा। तो उससे हम लोग एक्सकावेशन हर पार्ट का निकालेंगे, निकाल के यही फॉर्मेट है हमारा BOQ का, इसमें LBD डाल के हमारे एक्सेल में अगर करेंगे तो अपने आप क्वांटिटी निकल जाएगा। तो ये आपका एक्सकावेशन वाला पार्ट हो गया। उसी तरह PCC है ना, तो PCC कोई भी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं ना, तो सबसे पहले जब मिट्टी के ऊपर उसको कंस्ट्रक्शन, RCC कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, उसमें ना हम लोग PCC का एक लेयर डालते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, उसको बोलते हैं मड मैट। वो पहले एक दिन पहले ही कर देते हैं, उससे क्या होता है कि मिट्टी विट्टी जो है ना वो एक एपरन बन जाता है उस पर, उसके ऊपर जब हम स्ट्रक्चर कास्ट करेंगे तो उसमें कोई किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं जाएगी। और अगर हमने डायरेक्ट मिट्टी, और वो प्लेन भी कर देता है एक तरह से एकदम ओपन साइड, थोड़ा वो सॉयल तो थोड़ा बहुत अनड्यूलेटेड होगा, उस पर PCC डालेंगे तो पूरा प्लेन कर देगा, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर की फिनिश अच्छी आती है। तो PCC भी हम लोग को हर लेवल में चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा PCC लेवलिंग कोर्स मतलब बराबर करने के लिए कहाँ कहाँ, बॉक्स पोर्शन, विंग वॉल, कर्टेन वॉल, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, बिलो अप्रोच स्लैब, अप्रोच स्लैब के नीचे भी पहले हम PCC देंगे। तो PCC का क्या काम है, इसमें लेवलिंग का लिखा है लेकिन PCC का ध्यान रखिए दो काम है। पहला काम है सॉयल को मेन स्ट्रक्चर से अलग करना, तो उसको मड मैट बोलते हैं, मड को अलग कर दिया हमारे स्ट्रक्चर से। और दूसरा काम है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए प्लेन सरफेस बनाना, लेवल कर देना। तो ये अब हमारे कोड में जो है जनरली 100 से 150 mm तक का PCC होता है, ठीक है। जैसे आप इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर करेंगे या कहीं ये करेंगे तो वहाँ 50 mm का भी PCC अलाउड होता है, ठीक है। PCC का इतना स्ट्रक्चर में पॉइंट ऑफ व्यू से रोल नहीं है, वो सिर्फ लेवल करने के लिए है। उसके बाद हो गया PCC जो होगा वो आपका कर्टेन वॉल, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, उसमें आएगा M15 का कर्टेन वॉल यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं RCC। अब RCC जो है बहुत महंगा है, तो इसकी कैलकुलेशन पूरी प्रिसाइज करनी होगी, और आपका जितना भी नॉलेज है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है RCC को, ठीक है।
तो आरसीसी में आपका क्या आ जाएगा, विंग वॉल जो होगा आरसीसी विंग वॉल M20 दिया हुआ है, M25 से तो कम होगा नहीं, ये M35 मान के चलिए आप मिनिमम, ठीक है। आरसीसी हो गया, अब ये देखिए बॉक्स के लिए हो गया, अच्छा ये विंग वॉल के लिए M20 भी अलाउ कर रहे होंगे, हो सकता है अलाउ कर रहे होंगे, तो ऐसे जितना भी स्ट्रक्चर है M35 पे ही होता है, तो आप भी M35 लेके चलिए, अगर आप स्पेसिफिकेशन में दिया है कि M20 में कर सकते हैं तब M20 में लीजिए, अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर मिनिमम M35 में लीजिए, PCC M20 में लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रेड कंक्रीट फॉर बॉक्स फाउंडेशन का हो गया, बॉक्स सुपर स्ट्रक्चर का हो गया, क्रैश बैरियर का हो गया। अब देखिए क्रैश बैरियर जो है इसमें मैंने बताया नहीं, अब क्रैश बैरियर क्या है, जो ऊपर में था ना रेलिंग, उसी को आप मान लीजिए कि क्रैश बैरियर, ये जो पोर्शन है ना दैट इज क्रैश बैरियर, मतलब कोई गाड़ी अगर उससे टकराता है तो वो उसको रोक ले, नीचे नहीं गिरने दे, तो इसलिए ये क्रैश बैरियर होता है, तो ये भी आरसीसी का होता है, तो इसको भी आपको आरसीसी के हिसाब से करना है। उसके बाद रेनफोर्समेंट हो गया आपको बॉक्स स्ट्रक्चर में, जो हम लोग लेते थे चलते हैं 70 kg पर क्यूबिक मीटर, ऐसे तो हम डिजाइन करेंगे, अगर हमारे पास ड्राइंग है तो हम निकाल सकते हैं उसका BBS से, लेकिन अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है और विंग वाल में हमें लेना है 75 kg पर क्यूबिक, तो पहले हमने कंक्रीट कैलकुलेट कर लिया और उसके इस फॉर्मूला का यूज करके हम उससे स्टील निकाल सकते हैं। उसके बाद वायरिंग कोट, तो वायरिंग कोट ऊपर जो BC लगेगी ना स्ट्रक्चर के ऊपर, जो बिटुमिनस जो भी लगेगा वो है, तो उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं, यूनिट भी समझना जरूरी है। देखिए 450 mm थिक फ्लोर एप्रन अप एंड डाउन स्ट्रीम, अब देखिए जब हम लोग ये एक्चुअली सीट जो बनी है वो जब ड्राइंग नहीं है उसके हिसाब से इसमें दिया हुआ है, अभी हमने बात कर रहे थे ना इसमें 750 दिया है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको 450 mm लेके चलना है, ठीक है। 750 फिर फ्लेक्सिबल एप्रन, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना एप्रन लगाना है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके डालना है, तो ये सब आइटम आपके आएंगे। उसके बाद आपका वीप होल आता है, वीप होल क्या होता है पता है नहीं पता है, ठीक है ये अच्छा चीज़ है आ गया बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ तो मिट्टी फिल करेंगे पूरा, है ना, यहाँ भी पूरा मिट्टी फिल करेंगे, अब बारिश आएगा तो बारिश में मिट्टी परकुलेट होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना ऐसे कुछ होल बना देते हैं ताकि उसमें जो पानी आए ना वो धीरे धीरे इसमें से रिसके इसमें चला जाए, स्ट्रीम से फ्लो हो जाए। अगर हम इसको वाटरप्रूफ बना देंगे तो क्या होगा ना यहाँ पे हेड जनरेट हो जाएगा, पानी का एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उससे क्या होता है ना प्रेशर क्रिएट होने से ये ऊपर ना बल्जिंग आ सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग वीप होल देते हैं। वीप होल से क्या होता है पानी अंदर नीचे गिर जाता है और फिर हमारा काम हो जाता है, तो ये होता है वीप होल, तो वो भी एक आइटम आएगा, तो वो भी 1 meter या 2 meter स्पेसिंग पे लेना होता है एज पर ड्रॉइंग। वीप होल हो गया, विंग वॉल में भी आएगा वीप होल, जैसे बॉक्स में आया और विंग वॉल दोनों में आएगा। उसके बाद आपका ड्रेनेज स्पाउट, ये कहाँ था, ऊपर में था, हाँ देखिए ये है ना प्लान, ये देखिए यहाँ 1, 2, 3 और 4 ड्रेनेज स्पाउट बने हुए हैं। ड्रेनेज स्पाउट का मतलब हो गया सेक्शन में आते हैं, हाँ ये देखिए ये ड्रेनेज स्पाउट है। अब एक्चुअली हमने क्या किया, इधर से भी बैरियर बना दिया पूरा, ऊपर तो चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा, तो पानी जाने के लिए हमने इसमें रास्ता बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 दिए हुए हैं, तो ड्रेनेज स्पाउट जो है 5 meter स्पेसिंग पे ले लीजिए, फिल्टर मीडिया बिहाइंड अबटमेंट। फिल्टर मीडिया क्या होता है, जैसे ये बॉक्स है ना तो इस जगह हम लोग थोड़ा फिल्टर मीडिया मतलब ग्रेनुलर मटेरियल जिसमें क्ले ना हो, जिसमें पानी आए तो उससे परकुलेट होकर बाहर निकल जाए, तो उसको कहते हैं फिल्टर मीडिया। तो वॉल के जस्ट बगल में वो सॉइल नहीं डाल के थोड़ा सिलेक्टेड सॉइल डालते हैं इधर भी और विंग वॉल के भी बगल में, ताकि जो भी हमने वीप होल दिया है वो बंद ना हो जाए, तो पानी जो है पहले ही ऊपर ही छन जाएगा, उसके बाद उसमें जाएगा तो वीप होल से निकल जाएगा, इसलिए फिल्टर मीडिया, उन्हें पत्थर वत्थर कंकर वंकर वहाँ डाल देते हैं, तो वो हो गया आपका फिल्टर मीडिया। अब ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सब आइटम, ठीक है। तो
फिल्टर मीडिया हो गया, बैकफिलिंग हो गया, मिट्टी हमने पहले एक्सकावेट करके कंस्ट्रक्शन किया, फिर हमको बैकफिलिंग करना है। तो बैकफिलिंग का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जो एक्सकावेशन किया उसमें से स्ट्रक्चर की क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो वो हमें बैकफिलिंग निकल जाएगा। फिलर टाइप एक्सपेंशन ज्वाइंट, तो यहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं आएगा, लेकिन कहीं आ सकता है एक्सपेंशन ज्वाइंट, तो वो हम कभी आपको बताएंगे कि एक्सपेंशन ज्वाइंट कहाँ जरूरत होती है। ठीक है, अभी बियरिंग ये सब ब्रिज का आइटम है, ये अभी इस केस में फुटपाथ अगर होगा, इसमें नहीं है हमारे ड्राइंग में, तो दोनों साइड में फुटपाथ होता है तो उसके लिए भी हमें क्वांटिटी लेनी पड़ेगी उसका। जो जैसे ये है ना, ये हमारा बना हुआ है, इसके पहले वाला सेक्शन, हाँ ये हमारा रोड है ना, तो यहाँ पे साइड में कई बार फुटपाथ होता है, तो रेज्ड फुटपाथ होता है, तो फिर इसकी भी क्वांटिटी हमें लेनी होती है। तो ये सीट हमारा स्टैंडर्ड है, तो हम देख लेंगे फुटपाथ है कि नहीं है, तो उस हिसाब से हम अपने क्वांटिटी को कैलकुलेट कर देंगे। वेयरिंग कोट इनसाइड बॉक्स हो गया, रिटेन वेयरिंग कोट इनसाइड बॉक्स में क्या होता है ना, कि ये बॉक्स है ना, अब बॉक्स के इधर से पानी जाएगा, तो यहाँ पे भी ना स्ट्रक्चर के ऊपर एक वेयरिंग कोट बनाते हैं ताकि पानी वानी जाने से वो ख़राब ना हो, एनफोर्समेंट एक्सपोज ना हो जाए, तो वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो वो भी 50 mm का कंक्रीट डाल देंगे उसमें, तो वो हो गया वेयरिंग कोट इनसाइड बॉक्स। रिटेनिंग वॉल एवब बॉक्स, बॉक्स के ऊपर था ना अभी रिटेनिंग वॉल, पहला फोटो में देखा था, याद है, दिखाऊँ, याद है ना, ये बॉक्स था, इसके ऊपर कुशन था, तब जाके ये बना हुआ था, इसीलिए इसमें अप्रोच स्लैब नहीं था। जब ऊपर रिटेनिंग वाल बनेगा ना, तो फिर यहाँ पे हमें रिटेनिंग वाल बनाना है, तभी तो उसको रोकेगा मिट्टी को। तो ऐसे केस में अगर रिटेनिंग वाल बनाना है तो फिर अप्रोच स्लैब वहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारे में अप्रोच स्लैब आ रहा है, तो यहाँ पे रिटेनिंग वाल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आरी वाल पैनल, आरी वाल एक्चुअली ये पार्ट ऑफ कलवर्ट नहीं है, नहीं नहीं ब्रिज नहीं है, एम्बैकमेंट को वो करने के लिए होता है। तो अब इसमें दिया है तो समझा देते हैं, देखिए ऐसे इसमें समझिए, ये अभी हमने क्या किया है, यहाँ से स्लोप बनाया हुआ है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो रिटर्न वाल बनाना ही पड़ेगा, और रिटर्न वाल के आगे जो सॉइल रिटर्न करने के लिए RCC का पैनल आप देखा होगा अप्रोच में, जो ब्रिज और फ्लाईओवर में होता है, उसको कहते हैं हम लोग आरी वाल। ये इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, तो सॉइल उतने ही दूर में कन्फाइंड रहता है, स्लोप में नहीं जाता है, वर्टिकल चला जाता है, तो इससे हमारे जगह अगर नहीं है, ROW का इशू है, तो हम लोग आरी वाल बनाते हैं। तो ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार आपको लेना पड़ेगा, अगर इसमें दिया है कि इसी में लेना है, क्योंकि जहाँ पे आपने कलवर्ट बनाया अप्रोच तो उसी में बनेगी, तो उसी को रिटेन करने की ज़रूरत होती है। तो बॉक्स कलवर्ट का पार्ट नहीं है ये, लेकिन आपको क्वांटिटी इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से, कलवर्ट की वजह से ही ये आ रहा है। पैनल हो गया, आरी वाल के अंदर मिट्टी भरेंगे, तभी तो ऐसे बनेगा अप्रोच, है ना, इस तरह से अप्रोच बनेगी ना। जैसे मान लो रोड इधर से आ रहा है, और रोड इधर से आ रहा है, हमने यहाँ पे कलवर्ट बनाया, हाई करके थोड़ा बनाएंगे ना कलवर्ट, तो ऐसे करके रोड ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाके उतरेगी, है ना। तो ये हाई जो होगा इसको रिटेन करने के लिए हमने यहाँ पे आरी वाल दिया। समझ में आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, प्रियंका या श्वेता, क्या नाम है, ये आरी वाल हमने डाल दिया, पैनल होता है ये। अब ये आरी वाल ये दीवार तो खड़ा कर दिया, तो बीच में यहाँ मिट्टी भी भरेंगे ना, तब तो रोड बनेगा, तो जो मिट्टी भरना है उसी की बात कर रहा है। उसके बाद है आरी वाल फिल्टर मीडिया, तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम बॉक्स के बगल में डाल रहे हैं तो आरी वाल के भी बगल में फिल्टर मीडिया डालेंगे, तो उसकी क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी की अभी थ्योरी है, तो हम लोग एक बार आरी वाल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तब उसमें डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। हर चीज़ अगर यहाँ करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। 100 mm डाया परफोरेटेड ड्रेन पाइप, ये भी आरी वाल का आइटम होता है, यहाँ से सब ड्रेन पाइप उतरता है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। 900 mm डाया स्टोन कॉलम, अब स्टोन कॉलम जो है ये सॉइल स्टेबलाइजेशन के काम आता है, तो ये कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे बहुत बेकार सॉइल है, तो वहाँ पे स्टोन कॉलम का आइटम आएगा। 300 mm थिक बोल्डर पिचिंग, ये बोल्डर पिचिंग कहाँ आएगा, अगर हमने रिटर्न वाल बनाया है तो वहाँ पर बोल्डर पिचिंग आएगा।
तो हमने अभी यहाँ पे विंग वाल बनाया है, तो यहाँ पे ये आइटम नहीं आएगी। तो ये सारे आइटम थे, और है क्या? तो वो हमारे बीओक्यू के आइटम थे। तो इसको आप लोग इसका स्नैपशॉट लेके एक बार देख लीजिए क्या इसमें लिख के आता है और कैसे इसका यूनिट क्या है। मेन इसका यूनिट भी याद रखना है कि क्यूमेट में लेना है, स्क्वायर मीटर में लेना है। जैसे वेरिंग कोट को हमें स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करना है, बाकी आपको क्रैश बैरियर रनिंग मीटर में करना है, ठीक है? तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ के, मेरे ख्याल से हर चीज़ हमने डिस्कस किया। उसके बाद आप ये टेबल हमेशा अपने पास रखिए, जब भी आपके पास आए। अगर ड्राइंग में दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया है तो इस टेबल का यूज करके आप साइज, कम से कम थिकनेस समझ में आपको आ जाएगा। इसमें सारे साइज का दिया है ना, तो मैक्सिमम 7 मीटर, यहाँ 8 मीटर का भी जिक्र है। ये क्या है? ए। तो 8 मीटर का भी स्पैन दिया है, ठीक है? तो वो स्पेशल केस है, वो कहने के लिए हम उसको ब्रिज कहना होगा तो कहेंगे, जो भी कहना है कहें, स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं, उसको ब्रिज कह लेंगे, माइनर ब्रिज कह लेंगे, कलवट नहीं कहेंगे, या इतना तो पता नहीं चलेगा। तो ये 8 मीटर तक का सारे कॉम्बिनेशन का इसमें थिकनेस दिया हुआ है कि कितना थिकनेस लेना है आपको। तो ये हाइट भी वेरी कर रहा है, जैसे 2x2, 2x3, 3x3, 3x4, 4x3, 4x5, 5x3, 5x4, उसमें वाल की थिकनेस क्या होगी, राफ्ट की थिकनेस क्या होगी, सब कुछ है इस टेबल में। तो इस टेबल को या तो स्नैपशॉट ले लीजिए और इसके हिसाब से आप आराम से बढ़िया से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने ऑलरेडी उसमें लिखा था कि रेनफोर्समेंट आरसीसी, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो रेनफोर्समेंट हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है? बॉक्स स्ट्रक्चर में 70 kg लेंगे और विंग वॉल में 65 kg लेंगे, ठीक है? और कर्टेन वाल हमारा क्या होगा? PCC होगा, उसमें RCC होगा ही नहीं। अप्रोच स्लैब में, अप्रोच स्लैब का जो साइज है वो हमें 3.5x3 मीटर इनटू विड्थ ऑफ द रोड। जैसे ये रोड है मेरा, ये अप्रोच स्लैब है, तो ये रोड है मान लो 12 मीटर, तो ये 12 मीटर हो गया। फिर हमें कितना लेंगे? 3.5 मीटर, और थिकनेस कितना लेंगे? 300 mm। BOQ कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा नियम, हमारे पास सीट है, सीट में डाटा डालेंगे क्वांटिटी निकाल देगा, लेकिन अगर आप खाली सीट के भरोसे रह गए तो हमेशा गलती होगा। तो आप पेन पेपर पे पहले सारा कैलकुलेट कर लीजिए। आपको जब भी कोई असाइनमेंट मिलता है आप सारा आइटम को पेन पेपर पे कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा रफ कर लीजिए। मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो थोड़ा रफ डाटा लेके कर लीजिए, आप एक फिगर तक पहुँच जाएंगे कि भाई मेरा RCC 5000-50000 मीटर की आ रहा है मेरे। अब जब आप एक्सेल से करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, तो 50 से 55 आएगा या 45 आएगा, 50 का 150 थोड़ी आएगा। अगर 150 आ रहा है तो देर इज ए मिस्टेक, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो क्लाइंट आपकी गलतियाँ को पकड़े, इससे बेटर है कि आप अपनी गलतियाँ को खुद पकड़ें। और मैनुअल जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्यों रिया? है ना, कोई भी डाटा है वो सही है या गलत है उसे डबल चेक हो जाता है, या तो एक्सेल में गलत होगा या आपके कैलकुलेशन में गलत होगा। आप जैसे ही वेरिएशन होगा आप दोनों चेक करोगे, आप अपना कैलकुलेशन भी चेक करोगे, आप उसका भी चेक करोगे, तो वो ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई बहुत ज़रूरी है, 100% सही कैलकुलेट होना चाहिए। आपके अजम्पन्स सारे सही हैं, अजम्पन्स सारे बता दिए, लेकिन आप जब एक्सेल बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, उसमें बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले लगे हैं, तो एक्सेल का यूज हम प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए करें। लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक्सेल में ही खो जाएं, हमें पता ही नहीं हम क्या डाल रहे हैं, क्या निकल रहा है, सर हमने डाल दिया ये निकल, ऐसे नहीं। एक्सेल आपको हेल्प करने के लिए होना चाहिए, एक्सेल पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कि एक्सेल में मैंने डाला था और अपने से पहले से था, नहीं, सबकी ओनरशिप खुद लेनी है। अगर आपको एक्सेल दिया गया ठीक है, एक्सेल बहुत दिनों से बन रहा है, उसमें हर चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों को समझना आपकी जिम्मेवारी है। आप उसको समझ के तब आप काम करिए, तभी जाके एक्यूरेसी आएगी और तब जाके वो फ्रूटफुल होगा। नहीं तो क्या होता है, नए लोग उस एक्सेल में खो जाते हैं, और हर चीज़ ऑटोमेटाइज करने के चक्कर में मत पड़िए। आप भी अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई करके आए हैं तो अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। तो पेन पेपर की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि एक तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि भैया मुझे करना कैसे है, अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी तो वो भी उससे निकल के बाहर आ जाएगा,
आप जब एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है वो भी समझ में आ जाएगा। आप सीनियर को बताएंगे वो उसको पता चल जाएगा कि आपको नहीं पता है, तो इस तो फिर आपका जब बीमारी पकड़ में आएगा तो उसका इलाज आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाए, जैसे तुम्हें अभी कोई देगा, पहले उसको नहीं टाइम मिलता, घर में जाके मैनुअल कैलकुलेशन करो कि अप्रोच स्लैब का कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, विंग वाल का कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, एक एक डाटा लिख के। एक साथ नहीं कैलकुलेट करना है कि एक साथ इतना बड़ा गुना भाग लिख दिया और पता ही नहीं चला अगले बार कि क्या लिया था मैंने, तो एकदम बाइफर्केट करके लिखो, पेज ही बर्बाद होगा ना। बर्बाद क्या होगा, उससे तुम सीखोगे और कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार जब स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग आ गई, फिर डिजाइन करने में कुछ नहीं है। डिजाइन सब कोड में होता है, कुछ याद नहीं करना है। कोड सारे दिए हुए हैं, सब कुछ है, हमारे पास रेफरेंस भी है, उसके हिसाब से सारा डिजाइन। उसके बाद हम मैं भी बताऊंगा डिजाइन फिलॉसफी क्या है, लोड कैसे लगेगा, कौन कौन सा लोड आएगा, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले स्ट्रक्चर की समझ, एकदम एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। जैसे अभी समझ में आया ना कि रिटर्न वाला, पहले क्या होता था किसी को पता ही नहीं चलता था, रिटर्न वाला और विंग वाला दोनों ले लेते थे, कोई दोनों छोड़ देता था, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लेना है नहीं लेना है, कर्टन वाला लेना है कि नहीं लेना है, एप्रन लेना है कि नहीं लेना है, बहुत कन्फ्यूजन थी। अब समझ में आ रहा है कि हम क्यों दे रहे हैं, हम इसको हटा सकते हैं तो उसकी बेसिस क्या है, अगर हम विंग वाल ले रहे हैं तो उसकी बेसिस क्या है, रिटर्न वाल ले रहे हैं तो उसकी बेसिस क्या है। ठीक है, कई बार टेंडर में भी जनरल ड्राइंग दे देता है, तो अपने दिमाग लगा के उसको इस्तेमाल करके फिर हमें ऑप्टिमाइज करके और सही कैलकुलेशन करना है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर सही बिड कर सके और अगर उसको मिलता है तो सही ढंग से उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने किसी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।